गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वसंत कविता पढ़ी थी। बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के चैप्टर 12, दादी की सीख। बेटा, इस पाठ में मैं आपको यह समझाऊंगी कि हमें हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। जैसे हमारे घर में हमारे मम्मी पापा होते हैं ना, हमारे बड़े भैया होते हैं, दीदी होती है, अगर वो हमें किसी काम को करने से रोकते हैं, मना करते हैं, ये काम नहीं करो, ये गलत है, तो हमें उनकी बात माननी चाहिए, न कि उनसे किसी भी चीज़ की मांग करनी चाहिए और न ही जिद करनी चाहिए। तो बेटा, इस पाठ में हम एक ऐसी ही बच्ची की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है अमन। तो चलिए बेटा, इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 12, दादी की सीख। अमन बहुत ही शरारती और ज़िद्दी लड़का था। अमन कैसा लड़का था? शरारती, जो हमेशा शैतानियाँ करता था। ज़िद्दी यानी वो अपनी ही ज़िद करता था। तो अमन जो था वो बहुत ही शरारती और ज़िद्दी लड़का था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, वह बारिश में भींगने की ज़िद करने लगा। साक्षी उसकी बड़ी बहन थी, उसने उसे समझाया, अमन यदि बारिश में भींगोगे तो बीमार पड़ जाओगे, बड़ों का कहना मानो। बेटा, जैसे कि इस पिक्चर में देख रहे हो, क्या था, एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, अमन जो था वो बारिश में भींगने की जिद करने लगा। उसकी बड़ी बहन जो थी वो साक्षी ने अपने छोटे भाई को समझाया, अमन अगर तुम बारिश में भींगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। बेटा, अगर हम बारिश में भींगते हैं, ज़्यादा भींगते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं ना। ओके, अब उसने क्या बोला साक्षी ने, जो हमें अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। अमन बोला, मैं तुम सबका कहना तब मानूंगा जब तुम मुझे चॉकलेट दोगे। क्या दोगे? चॉकलेट। उसने क्या बोला अपनी बड़ी बहन से, मैं तभी तुम्हारी बात मानूंगा जब तुम मुझे चॉकलेट दोगे। बेटा, ये अच्छी बात है, जब आपसे कोई बड़ा आपको कुछ समझाता है तो हमें उनसे कोई चीज़ मांगनी चाहिए, नहीं ना, ये तो गलत बात है। अमन की बात सुनकर साक्षी को बहुत बुरा लगा। साक्षी ने यह बात अपनी दादी को भी बताई। कुछ दिनों बाद अमन ने दादी से भी इसी प्रकार कहा। अमन की बात सुनकर साक्षी, जो उसकी बड़ी बहन थी, उसे बहुत बुरा लगा, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। साक्षी ने क्या किया, यह बात अपनी दादी को भी बताई। कुछ दिनों बाद अमन ने दादी से भी इसी प्रकार कहा, दादी, मैं आपकी बात तभी मानूंगा जब आप मुझे कुछ न कुछ चीज़ दोगे। ओके, अब वह इसी तरह हर बात को मानने के लिए कुछ न कुछ अपनी मांग रखता। परिवार के सभी सदस्य इस बात से परेशान थे। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि अमन को किस प्रकार समझाया जाए। अब क्या था, अब उसकी ये आदत पड़ गई थी, अब जब भी उसे कोई कुछ समझाता तो उनसे कोई ना कोई चीज़ वो मांगता। सब परिवार के सारे जो लोग थे वो उससे परेशान हो गए थे। किसी को कोई उपाय सूझ नहीं रहा था कि अमन को किस प्रकार समझाया जाए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद अमन का जन्मदिन आया, यानी बर्थडे आया। घर में खूब मौज मस्ती हुई, सबने उसे तरह तरह के उपहार दिए। उपहार लेकर अमन बहुत खुश हुआ। क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद अमन का जन्मदिन आया, घर में खूब मौज मस्ती हुई, सबने खूब इंजॉय किया और सब लोगों ने उसे तरह तरह के गिफ्ट भी दिए। उपहार देखकर अमन का मन जो था वो बहुत खुश हो गया। अब उसका मन जल्दी से सब उपहार खोलकर देखने को कर रहा था। वह नए खिलौने के साथ खेलने को बेचैन हो उठा। तभी दादी ने कहा, अमन रुको, जब तुम एक एक उपहार खोलकर उससे मिलने वाली सीख पर चार पंक्तियां बोलोगे तभी उपहार खोले जाएंगे। अब क्या था, नए नए गिफ्ट देखकर अमन का मन सारे गिफ्ट को उपहार को खोलने का कर रहा था, उसका मन बेचैन हो उठा। तभी दादी ने क्या बोला, अमन रुको, जब तुम एक एक उपहार खोलकर उससे मिलने वाली सीख यानी शिक्षा पर चार लाइन बोलोगे तभी उपहार खोले जाएंगे। यह सुनकर अमन खुशी खुशी तैयार हो गया। यह सुनकर अमन जो था वो खुशी खुशी तैयार हो गया। तो बेटा, आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी आगे का पाठ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बेटा, अब इस पाठ के हम नए शब्द पढ़ेंगे। तेज, तेज मीन्स क्या होता है, बहुत जोर से,
उपहार, तोहफा, झटपट, तुरंत, राहत, आराम, सिर्फ, केवल, सूझ, उपाय। अब बेटा यहाँ क्या लिखा है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न क, अमन कैसा लड़का था? अमन कैसा लड़का था? शरारती और जिद्दी लड़का था। ख क्वेश्चन क्या है, छतरी हमें किससे बचाती है? छतरी हमें बारिश और धूप से बचाती है। ग क्या है, छतरी से हमें क्या सीख मिलती है? बेटा छतरी से हमें क्या सीख मिलती है? छतरी हमें देना सिखाती है। छतरी हमें हमसे बदले में कुछ मांगती है नहीं ना। प्रश्न क, साक्षी ने अमन को क्या समझाया? साक्षी ने अमन को समझाया कि यदि बारिश में भींगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। परिवार के सभी सदस्य क्यों परेशान थे? ये प्रश्न ख क्या है, परिवार के सभी सदस्य क्यों परेशान थे? अब अमन हर बात मानने के लिए कुछ न कुछ अपनी मांग रखता था, परिवार के सभी सदस्य इससे परेशान थे। ग, उपहार देखकर अमन का मन क्या करने को कर रहा था? अमन का मन जल्दी से उपहार खोलने को कर रहा था। अब प्रश्न घ क्या है, दादी ने उपहार देखने से पहले क्या कहा? दादी ने उपहार से मिलने वाली सीख पर चार पंक्तियां अमन को बोलने के लिए कहा। तो बेटा अब आपको करना क्या है, इस पार्ट के नए शब्द लर्न करने, क्वेश्चन आंसर लर्न करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।